हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इसमें हम करने वाले महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z4 का पूरा मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन, पूरा फीचर्स, कितने वेरिएंट आते हैं, 4x4 किस में मिलेगा, कितना BHP किस में है, 2-wheel drive, 4-wheel drive, हम A to Z डिटेल से बात करने वाले। अगर आपने स्कॉर्पियो Z4 बुक कराई है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो में आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। YouTube में बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी जिसमें थोड़ा थोड़ा करके बताया कि कुछ में गलत इन्फॉर्मेशन भी है। मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ बता दूंगा Z4 में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक ही वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारा Z4 वेरिएंट का डिलीवरी हमको कब तक देखने को मिल सकता है, और Z2 वेरिएंट का भी डिलीवरी का बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही बेस और सेकंड बेस मॉडल में आते हैं, और Z6 से कौन सा Z4 वेरिएंट अच्छा हो सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z4 का पेट्रोल का जो प्राइस है वो 13.49 लाख से चालू है। तो मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि स्कॉर्पियो एंड का जो Z4 मॉडल है वो आपको टोटल 5 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। Z4 पेट्रोल और Z4 पेट्रोल ऑटोमेटिक, फिर हमारा Z4 डीजल आएगा मैनुअल में, फिर Z4 डीजल ऑटोमेटिक आएगा, फिर जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है Z4 डीजल 4x4। और लोगों का कंफ्यूजन ये था कि Z4 का जो 4x4 वेरिएंट है वो ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा या डीजल मतलब मैनुअल में देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 4x4 है वो आपको मैनुअल में ही देखने को मिलेगा, कोई ऑटोमेटिक को ऑप्शन नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये है, अगर हम लोग Z4 डीजल को मैनुअल में लेते हैं 13.99 लाख जिसकी प्राइस है, वो आपको कम BHP के साथ मिलने वाली है, मतलब 130 BHP या 132 BHP के साथ मिलने वाली है। और वही हम लोग Z4 डीजल ऑटोमेटिक को लेते हैं तो वो हमको 170 PH में पड़ने वाली है, और Z4 डीजल 4x4 लेते हैं वो तो आपको मैनुअल में पड़ेगी, पर वो भी आपको 170 PH में पड़ेगी। Z4 डीजल को हम लोग 132 PH में नहीं कर सकते, क्योंकि 4x4 गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा सा पावर हमको ज़्यादा चाहिए रहता है। अगर 132 BHP में अगर वो चलाएंगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा निकल के। अब बात करते हैं Z4 पेट्रोल में, आपको 200 BHP तो देखने को मिलता है, पर उसमें इंजन आपको 2000 CC का देखने को मिलता है, और जो Z4 का डीजल वेरिएंट है उसमें इंजन आपको 2190 CC मान के चलो 2200 CC का देखने को मिलता है, और पेट्रोल में आपको 2000 CC का इंजन देखने को मिलता है। होप करता हूँ आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा, वरना वीडियो को 10-20 सेकंड स्किप करके वापस से सुन सकते हैं। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तब आपको और समझ आएगा। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको स्कॉर्पियो से रिलेटेड हर अपडेट मैं आपको लाते रहूंगा। और आपने कोई सा भी मॉडल स्कॉर्पियो का बुक कराओ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि बाकियों की हेल्प हो सके। और आपको डिलीवरी डेट जानना है तो आप अपने स्टेट के साथ अपना मॉडल लिख देना, मैं आपको डिलीवरी डेट बता दूंगा। आप लोग किसी भी भ्रम में मत रहना कि Z4 में पेट्रोल में आपको 4x4 मिलने वाला है या पेट्रोल ऑटोमेटिक में 4x4 मिलने वाला है। आपको ओनली Z4 के डीजल में 4x4 मिलने वाला है, वो भी ऑटोमेटिक में। Z4 के डीजल मैनुअल में आपको 4x4 मिलने वाला है, जिसकी प्राइस आपको ऑन रोड 20,40,000 रुपए तक का पड़ सकती है। मैं ऑन रोड अपने स्टेट का प्राइस बताऊँ, आपकी स्टेट में वो कुछ और हो सकती है, और उसकी एक्सरूम प्राइस आपको 16.45 लाख रुपए से चालू हो जाएगी। और मेरे ख्याल से महिंद्रा स्कॉर्पियो Z6 का प्राइस भी 16.95 लाख से ही चालू है। तो समथिंग अगर आपको 4x4 का मजा चाहिए तो आप स्कॉर्पियो एंड Z4 बुक करा सकते हो। आपको उसमें पावर भी ठीक ठाक मिल रही है, बस आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा, और थोड़े मोटे कॉस्मेटिक फीचर्स जो कट किए गए वही देखने को नहीं मिलेगा। बाकी गाड़ी आपको टोटल Z6 ये जैसे ही देखने को मिलेगा, और 4x4 भी आपका ऐड हो जाएगा। और मेरे ख्याल से महिंद्रा स्कॉर्पियो Z4 में और Z6 में उतना डिफरेंस नहीं है अगर आप देखा जाए तो। बस Z6 क्या कर दिया है, वो अपना दो ही वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, वो है डीजल में और डीजल ऑटोमेटिक में, और Z4 में आपको पूरे 5 वेरिएंट दिए गए। तो कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए हम उसकी बात करते हैं। देखो समझदारी इसी में है, अगर आप Z4 का डीजल मैनुअल को न लें, क्योंकि उसमें इतनी कम पावर देखने को मिल रही है, मतलब आपको चलाने में मजा ही नहीं आया, क्योंकि Z4 अभी लॉन्च हुई नहीं है, आपको ऑफिशियली वो देखने को कहीं नहीं मिलेगी, तो आप उसको बिना चलाए अपने मन से अनुमान नहीं लगा सकते कि Z4 का डीजल मैनुअल अच्छा होगा, क्योंकि 130 PS और 2200 के इंजन में आप मतलब फील नहीं कर सकते, आपको मजा नहीं आएगा, बस आपको बड़ी सी गाड़ी तो देखने को मिल जाएगी, आपको फिर अखरेगा या तो मैं पेट्रोल ऑटोमेटिक ही ले लेता या पेट्रोल मैनुअल ही लेता, क्योंकि पेट्रोल आपको 200 BHP देखने को मिलेगा और 2000 CC का इंजन देखने को मिलेगा। बस कंपनी और पेट्रोल का माइलेज क्लेम करती है 10 किलोमीटर पर लीटर का, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डीजल ही गाड़ी उसका 12 का एवरेज दे रहा है तो पेट्रोल कहाँ से 10 देगा। तो पेट्रोल आपको 7 या 8 निकाल के आराम से दे देगा। तो अगर आपको Z4 सेकंड बेस से मतलब है तो आप Z4 का पेट्रोल मॉडल ले सकते हैं, वरना आप Z4 का डीजल ऑटोमेटिक ले सकते हैं, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपको 4x4 चाहिए तो आपको Z6 में तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको मजबूरी में ही
Z4 का 4x4 लेना पड़ेगा, जिसमें आपको सनरूफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर सनरूफ का उतना नीड पड़ता भी नहीं है प्रैक्टिकली, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वरना आप हायर मॉडल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आपको सब में सेम देखने को मिलेंगे, आपको अलॉयस व्हील किसी में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप 4x4 ही क्यों ना ले लो, फॉग लैंप भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, और पावर स्टीयरिंग के साथ साथ आपको पीछे में पैसेंजर एयरबैग भी देखने को मिलने वाला है, फ्रंट में भी एयरबैग देखने को मिलने वाला है। और लोगों का सवाल ये था इसमें आपको कितने स्पीकर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 ही स्पीकर देखने को मिलेंगे, यहाँ Z6 में आपको ज़्यादा नहीं दिया तो Z4 में कहाँ से देंगे। और 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, और USB चार्जर आगे और पीछे दोनों साइड देखने को मिलेगा, और LED हेड लैंप देखने को मिलेगा, और LED DLL आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना कुछ फीचर था, और भी फीचर आप नेट से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा 2-wheel ड्राइव, 4-wheel ड्राइव और 4x4 कौन से मॉडल में क्या क्या मिलने वाला, सबकी प्राइस आपको कितनी मिलने वाली है। तो और आपको ये बात का ध्यान रखिएगा, आपको 4x4 170 BHP के साथ ही आएगा, और भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, जिसकी ऑन रोड प्राइस आपको 20.5 लाख रुपये पड़ सकती है। अब बात करते हैं हम लोग स्कॉर्पियो एंड Z4 की डिलीवरी हमको कब तक देखने को मिलेगी, और Z2 की भी, क्योंकि दोनों ही बेसिक मॉडल में आते हैं, तो हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं और एग्जैक्ट हम लोग पता कर सकते हैं। उससे पहले अब हमारे चैनल पे अभी तक है वीडियो पर, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो से रिलेटेड हर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दे। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं इसके डिलीवरी डेट के बारे में, महिंद्रा ने क्या कर दिया, महिंद्रा ने पहले बोला था वो अपने 4 महीने के अंदर अपनी पूरी गाड़ी डिलीवर कर देगा, तो 4 महीने देखना चाहिए, तो सितंबर से लेकर जनवरी तक को उसको अपनी पूरी गाड़ी दे देनी चाहिए थी। जिन भाई लोग का 25,000 बुकिंग में Z2 हो या Z4 हो या Z8 हो या Z8L हो, उनको 4 महीने के अंदर दे देना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसने और मार्च तक का डेट को बढ़ा दिया, फरवरी तक का और मार्च तक का डेट को बढ़ा दिया, जिसमें वो बोल रहे और Z8L वेरियंट को ही प्रियोरिटी देगा, उस बीच अगर वो गाड़ी दे दिया तो दे दिया, वरना नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मार्च के बाद ही आपको Z4 की डिलीवरी देगा और Z6 की, और जब तक गाड़ी आपके आँख के सामने नहीं आ जाती तो आप डिलीवरी का उम्मीद नहीं लगा सकते। जैसे ही गाड़ी रिवील होगी तो फिर वो तो यूट्यूब में आएगी, 10 लोग डालेंगे उसको, फिर टेस्ट ड्राइव होगा, तो कुछ लोग का मन बदलेगा, कुछ कैंसिल करेंगे वापस, कुछ लोग Z4 बुकिंग करा भी सकते हैं, तो बहुत सारे कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये Z2 के साथ हुआ था, सब लोगों ने बुकिंग करा दी थी, फिर ड्राइव करने के बाद पता चला उसके डीजल इंजन में पावर ही नहीं है, जिसकी 130 PS की मैं बात कर रहा था, तो लोगों ने उसको कैंसिल करा दिया। तो ऐसे ही होता है, जब तक गाड़ी आपके आँख के सामने नहीं आ जाती और आप उसको टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकते, तो क्लियर डिसीजन हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि Z4 का जो मैनुअल है डीजल में, उसको लेने का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि आपको पावर ही फील नहीं होगा। आपको सिटी में भी ड्राइव करना है तो मन मार कर ड्राइव करने से अच्छा पेट्रोल की तरफ शिफ्ट कर ही सकते हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर Z4 की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपना डिलीवरी डेट और अपना मॉडल नंबर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना, ताकि बाकी लोग की भी हेल्प हो सके। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको 4x4 का यूज नहीं है तो आप Z6 की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।